पत्नी के आत्महत्या मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पति को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज किया। SDOP देवांश राठौर ने बताया कि घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पाटन भेज दिया, जहां जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर किया गया कि राजकुमारी की मौत मुंह एवं गला दबाने से हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रानी तराई पुलिस ने संदेही मृतका के पति घनश्याम यदु से पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस से आरोपी लगातार बयान बदल रहा था। फिर आरोपी पति ने बताया कि अपनी पत्नी एवं बच्चे को लेकर अपने ससुराल मंदिर हसौत पूजा कार्यक्रम में गया था, जहां ससुराल वालों द्वारा विवाद पर मारपीट किया। उसी बात को लेकर अपनी पत्नी से आरोपी झगड़ा करता रहता था। घटना के दिन उसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। आक्रोश में आकर पति ने खाट में रखे कथरी से अपनी पत्नी का मुंह दबाया और हाथ से गला दबाकर बेहोश कर दिया। बाद गमछा से गला दबाकर हत्या कर स्वीकार किया। हत्या को आत्महत्या दिखाने आरोपी पति ने अपनी पत्नी के गले में साड़ी को बांधकर फांसी पर लटका दिया। थाना रानी तराई के ग्राम मोरिंदा में थाने में सूचना प्राप्त हुई कि राजकुमारी यदु उम्र 25 वर्ष के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है, जिस पर से तत्काल मौके पर टीम उपस्थित होकर विवेचना में लेकर मर्ग कायम कर अपराध की जांच की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट PM के आधार पर यह पता चला था कि इसमें आत्महत्या नहीं हत्या के भी कुछ संकेत हैं, जिस पर से टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। आरोपी के मृतिका के पति घनश्याम यदु से लगातार पूछताछ करने पर अपना कथन बदल रहा था। बाद में PM रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें स्पष्ट खुलासा हुआ कि उसकी मृत्यु कर उसे फांसी में लटकाया गया था, जिस पर से आरोपी के पति को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया, जिसने बताया कि जब वह अपने ससुराल मंदिर हसौत पूजा कार्यक्रम में गया था तो उसके ससुराल वालों के साथ उसकी मारपीट हुई थी, जिस पर से अपनी पत्नी के साथ लगातार इस बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। घटना दिनांक को भी इसी बात पर उनकी लड़ाई हो रही थी, जिसमें पत्नी ने अपशब्द कहने पर वह उसे सहन नहीं कर पाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया, लेकिन उसे आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया था। अपराध कबूल करने पर अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इंडियन न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।